अस्सलामुअलैकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल ब्लू ब्लडेड में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है ब्लू ब्लडेड। चैनल पर जो है तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे, कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी प्यारी सिस्टर जो कि बिहाइंड द कैमरा, हम आपके कमेंट्स जरूर रीड करेंगे और कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। थैंक यू। और हमारा दूसरा चैनल है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, वहां पर भी विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो आज था संडे। संडे को आती है हमारे घर में खूब सारी सब्जी, तो खूब सारी सब्जी आई हुई है तो सब्जी निकालते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। वाली साहब सब्जी लाए, सबसे पहले आलू प्याज है। ये हमारी आलू प्याज की टोकरी है ना? यस। तो एक में आलू निकालेंगे और एक में प्याज निकालेंगे। बिल्कुल भाई, ये आलू यहाँ आया हुआ। ये हम अभी घड़ी और मंगवाएंगे क्योंकि कल चिप्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह भाई। ठीक है, ये देखिए ये आजकल नया आलू आया हुआ है, देखिए कितना प्यारा है ना। यस। और ये है प्याज। प्याज प्याज भी देखिए कितना खूबसूरत आया ना भाई, बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये हो गया आलू और प्याज। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप दिखाओ और चीजें। सबसे पहले आ जाते हैं टमाटर, ये भी पड़े हुए हैं ना। यस यस। टमाटर तो पता है ना, ताज़ा ताज़ा प्यारा प्यारा टमाटर है। आगे कर लो कर लो। और इसके अलावा है सब्जियाँ, इसमें लहसुन भी है, लौकी भी है, गोभी भी है ना माशाल्लाह से, और अरवी भी है जी। सबसे पहले लौकी है, बताओ लौकी। लौकी हमारे वालिद साहब की फेवरेट भी है ना। यस फेवरेट है, मेरी फेवरेट है। सिस्टर बनाती भी बहुत अच्छी है, चिकन में भी अच्छी बनाती है, गोश्त में भी बहुत मज़ेदार बनाती है सिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक दाना खूबसूरत है ना माशाल्लाह। ये लौकी है और ये है अरवियां। अरवियाँ बहुत महंगी हैं पर अरवियों की फरमाइश सिस्टर काफ़ी दिनों से कर रही। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अच्छी लगती है ना। चिकन में बनाएंगे इंशाल्लाह और फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये अरवियाँ आजकल 400 रुपए किलो है। ठीक है, अरवी 400 रुपए किलो है ये। और इसके अलावा है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें एक ही किस्म की मिली है, अभी जाऊंगा दूसरी किस्म की भी लाऊंगा। दो किस्म की हरी मिर्चें हम ज़रूर घर में रखते हैं। ये भी होगी सही है जी जी। और ये है लेमन। लेमन भी बहुत महंगा है, 600 रुपए किलो है इधर। ओरिजिनल लेमन 600 रुपए किलो है ये। रस वाला है कि नहीं है सही है। और ये आ गया लहसुन। बिल्कुल। फूल गोभी है। ठीक है, दो गोभी के फूल है। ये
प्यारी फूल गोभी आ रही है ना, बिल्कुल, हालांकि मई जून है फिर भी गोभी देखिए कितनी प्यारी आ रही है, मूलियां भी आई हुई है बहुत अच्छी अच्छी से थोड़ा सा की? सही है सब्जी बहुत अच्छी है। चलो अब दिखाते हैं आपको फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या क्या है। ठीक है, देखिए फ्रेंड सब्जियां तो खूब सारी आई हैं, इसके अलावा फ्रूट भी आया है, सीजन का बहुत अच्छा नया नया फ्रूट आया है। yes. सबसे पहले देखिए फालसे आए हैं, फालसे जब सीजन में होते हैं तो हम खूब खाते हैं, फालसों का शरबत भी खूब बनाते हैं। पिछले वीडियोस में देखें तो हमारे हम फालसों का खूब शरबत बनाते हैं, तो फालसा भी बहुत महंगा है। ये देखें ये कितना प्यारा प्यारा फालसा है, इतना ही ये सिस्टर ने मंगाया है, इतना ही वालदा साहिबा ने केजी केजी मंगाया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और ये आड़ू देखे, नया आड़ू सीजन का। यस, नरम है। Yes. और तरबूज भी है नीचे, तरबूज पड़ी हुई है। आजकल जब सीजन में तरबूज होता है ना जी जी, तो हम खूब खूब तरबूज खाते हैं। यस, ये देखते हैं टक लगवाया जी, उनका टक लगवाया नहीं नहीं टक नहीं लगाया, दो तो ना चले जाता। ठीक है, वैसे गारंटी है चला जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भाई बहुत कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल ब्लू ब्लड ट्यूब में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे, आप सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड मेरे चैनल का नाम है ब्लू ब्लड ट्यूब, चैनल पर जो है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट्स का, मैं और मेरी प्यारी सिस्टर आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई देंगे और कमेंट्स रीड भी करेंगे। थैंक यू। और हमारे दूसरे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पर भी विजिट करें, आपको इंशाल्लाह ताला वीडियोज अच्छी लगेंगी। आज हम बना रहे हैं डिनर में जो है कोफ्ते बना रहे हैं। ठीक है, कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर बीफ का कीमा 1.5 किलो ले लिया है। ठीक है, ये बड़ा कीमा है और चर्बी के साथ है, दिखाओ खूब सारी इसमें चर्बी भी है। ठीक है, 1.5 किलो कीमा है कोफ्ता बनाने के लिए। कोफ्ते बनाने के लिए सिस्टर ने इधर भी मसाले रखे हैं और इसके अलावा मसाले बीच में डालने के लिए भी रखे हैं। ये यानी कि इसका मसाला बनेगा, जो करी बनेगी वो इसकी बनेगी। ठीक है, तो ये तकरीबन 1.5 किलो जो है ना हमारे पास जो है क्या है कीमा, बीफ का कीमा है, मिंस है। ठीक है, yes. इसमें चली जाएगी ये प्याज, कितनी प्याज थी, तीन बड़ी प्याज थी। ये अदरक के बीच में ये कितने, तीन लहसुन के तीन है, तो ये दो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मसाले में भी जाएंगे फिर ये तेज हो जाता है लहसुन। yes. ये चला गया और ये हरी मिर्च। ठीक है, ठीक है, ये चली गई, सही है, सारे डाल देते क्योंकि हमारा 1.5 किलो कीमा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह कोफ्ते के अंदर हल्दी। ठीक है, ये गई हल्दी, ये गई रेड चिली। कोफ्ता अंदर से भी फीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रेड चिली चली गई, ये चला गया कोफ्ते के अंदर नमक। ठीक है, ठीक है, ये नमक चला गया कोफ्ते के अंदर, ये चला गया कोफ्ते के अंदर खुश्क धनिया। ठीक है, ये हमारे पास सुपर धनिया, ये
चला गया। और कोफ्ते के अंदर कुछ स्पाइसेस और जाएंगे, जिसमें है स्पाइस बीटा। ठीक है, ये हम पीस लेंगे थोड़ा सा। देखो इसमें सारी चीज़ें मिक्स ही होंगी। ठीक है, ये हम पीस के डाल देंगे। इसमें दो तीन लौंग भी होंगे। सिनेमा स्टिक पाउडर है हमारे पास, है ना? यस, विच में ये भी हम कड़ी में भी यूज़ करेंगे। ये दालचीनी किसी भी, ठीक है, अच्छी टेस्ट के लिए। और ये है काली मिर्च, ठीक है। यस, काली मिर्च टेस्ट अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अंदर, अपनी मेरी जो है ना कीमे वाली मशीन है उससे ये पीसते हैं। ठीक है, कोफ्ते का मसाला पीसने के लिए चलते हैं, फिर आके इसकी करी बनाएंगे। ठीक है, साथ साथ बॉल्स बनाते जाएंगे, साथ साथ करी बनाएंगे, साथ में आज हम बना रहे खीर। अपने कीमे वाली मशीन में कोफ्तों के लिए कीमा और मसाला सब कुछ इकट्ठा पीस के आके अभी इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसकी कोफ्ते की कड़ी बनाने के लिए, देखें कोफ्ता करी बनाने के लिए सिस्टर ने प्याज छील कर चॉप करके रखी है, लहसुन है, हरी मिर्च है, अदरक है और टमाटर है। ठीक है, और सूखे स्लाइसेस हैं। साथ में हम बना रहे खीर अच्छी सी। खीर बनाने के लिए हमने ले ली है बासमती राइस। ठीक है जी, बिल्कुल। इसको हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये पहले साफ सुथरा चावल है हमारा, एक नंबर वाला चावल है। ये 550 रुपए किलो वाला चावल है। ठीक है, गार्ड वाला जो हम प्लाउ अड्डा और बिरयानी बनाने के लिए यूज करते हैं, उसी से हम खीर बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई। और खीर हम बना रहे हैं टेट्रा पैक में, यानी और ऊपर का जो बड़ा पैकेट नहीं होता 1.5 लीटर वाला, उससे। क्योंकि खीर जो है हमें पैकेट की अच्छी लगती है, हालांकि दूध खुला भी है हमारे पास, है ना? बिल्कुल भाई। पानी बॉयल हो चुका है खीर के लिए, और ये हमने डाल दिए इसमें चावल। अब हम चावलों को बॉयल अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है,
साथ में हमने प्रेशर कुकर रखा है बीफ के कोफ्ते हैं, ठीक है। yes. तो ये झटपट बन जाएंगे, इस तरह से ले लेंगे हम कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देते हैं, ठीक है। यस बिल्कुल, ये चला गया तेल, तेल में चली जाएगी लहसुन प्याज, है ना। ये कितने प्याज हैं? लहसुन जो है वो दो हैं और प्याज भी दो दरमियाने थे, ठीक है। ये क्या प्याज और लहसुन दो, और ये डेढ़ लहसुन चला जाएगा क्योंकि हमने लहसुन अंदर भी डाला है, बिल्कुल भाग भी डाला है, तो क्या है ना भाई। अच्छा जी अदरक, यस इसको तब तक यहाँ रखते हैं और इसको तब तक हम ठीक है। और लहसुन और प्याज को हमने पका लेना है, ठीक है। जब तक ये पक रहा है हम जाकर के अदरक पीस लेते हैं। साथ साथ कोफ्ते बना लेते हैं, ठीक है। ये कोफ्तों का मसाला है, देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चें और जो हमने डाले हैं सूखे मसाले वो सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ये खूब चल रही है। चलो ठीक, और जो कोफ्ता होता है ना वो खूब चर्बी वाला हो ना तो मज़ा आता है ना भाई। चर्बी वाले ही अच्छे बनते हैं, ठीक है। अब इसमें चली जाएगी अदरक, ये सारी अदरक पीस लिया हमने, ये अदरक, यस मसाला बना लेते हैं ना भाई, ड्राई मसाला रेडी करते हैं जिसमें अभी हमने बनाना है गर्म मसाला, ठीक है, ताज़ा वाला। हमें जीरा चाहिए, जीरा
जीरा होगा, काली मिर्च होगी, लौंग होगा, है ना, और इलायची होगी, और एक मोटी इलायची होगी और सिनेमन स्टिक होगी। ठीक है, ये बन गया हमारा होममेड गरम मसाला। सिनेमन स्टिक जो है पीसी भी चाहिए। ड्राई मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर जी, हल्दी पाउडर, बिस्मिल्लाह खान जी, ये क्या, ये रेड चिली पाउडर है, अपनी कोफ्ता और कड़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या, ये आ गया नमक, कोफ्ते के अंदर भी हमने नमक डाला है। ठीक है, दालचीनी और काली मिर्च, ये काली मिर्च है, ये चलेगी, और ये दालचीनी है। ठीक है, बिल्कुल ना कोफ्ते फीके भी नहीं होना चाहिए ना, टेस्टी से। ये हो गया हमारा सब कुछ, हम लोग रेड रोल चॉप कर लेंगे। ठीक है, बस हमने जो मसाला बनाया कोफ्तों के मद्देनजर बनाया ना भाई। तीन थोड़ा सा इसे भून लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मसाला जो है रोस्ट पे आया हुआ है, ये देखिए, थोड़ा सा मसाले को रोस्ट करेंगे। ठीक है, और साथ साथ कोफ्ते बना लेते हैं, क्योंकि ना फिर टमाटर डाल देंगे, साथ साथ हम कोफ्ते तोड़ते जाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए, आज बड़े बड़े थोड़े कोफ्ते बनाएंगे। ठीक है, चाहे तो थोड़ा सा ना तेल का हाथ लगा सकते हैं इसको। दरमियाने साइज के अगर ये चर्बी ना ना होती, बहुत ड्राई होता, तो इसमें हम ना एक अंडा डालते। ठीक है, ठीक है, ये क्या, और अब इसमें पानी डाल देते हैं और गलने के लिए इसे छोड़ देते हैं, ताकि जैसे ही टमाटर डाल के ना फिर हम साथ साथ कोफ्ते डालते जाएंगे। कोफ्ते डालते हैं, बिल्कुल, मेरी प्यारी सिस्टर भी ना हेल्प करेंगे और हम दोनों कोफ्ते बनाते जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे बस इतना साइज परफेक्ट होता है ऐसे।
था। देखिए टमाटर गल गए ना अच्छे से, टमाटर का मसाला बन गया। आप किसमें डाल देंगे? अनियन। कोफ्ते में से डायरेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है? पहले पानी डालेगा, बस बहुत भी नहीं डालेंगे क्योंकि कोफ्ते अपना पानी भी छोड़ेंगे, ठीक है? पानी थोड़ी देर गर्म हो जाए। ये देखिए मैंने और सिस्टर ने मिलके कोफ्ते बना के रखे हुए। यस। इसी तरह हम बना के ना फ्रीज भी कर देते होते हैं, ठीक है? सिस्टर फिर नेक्स्ट डे निकाला या जब भी निकाला फौरन फिर बना लेते हैं, मसाला बना के, है ना? दिखाओ पानी में उबाल आ गया, ठीक है? अब इसमें हम ये कोफ्ते डाल देंगे। यस। देखिए पानी में उबाल आ गया, अब इसमें कोफ्ते तरतीब से डाल देंगे, ठीक है? यस, ठीक है। साइडों पे करके डालते जाएंगे। तरतीब से डालेंगे, ठीक है? ठीक है। ये भी डाल दो। यस। अब इसको हमने कोई चम्मच वगैरह नहीं चलाना, ठीक है? कवर अप कर देना। अभी ये कोफ्ते अपना पानी भी खूब सारा छोड़ेंगे, ठीक है? ठीक है भाई। साथ में हमारे जो है चावल भी खीर के लिए गल गए, बस इसमें डालते हैं दूध, ठीक है? टेट्रा पैक वाला। चलो फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते बन रहे हैं। बिल्कुल हमने इन्हें चमचा वगैरह नहीं लगाना, ठीक है? ये अपने पानी में जो हमने पानी डाला है और इसके अलावा जो भाप लग रही है ना, कोफ्ता अपना पानी छोड़ रहा है, ठीक है? बस इनको कोई चम्मच चम्मच लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना पानी हो गया, ये पक रहे हैं। इधर जो है चावल अच्छे से गल गए। चावल जब गल जाए तो इसमें दूध डाल देंगे। दूध अगर कच्चे चावल में डाल देंगे ना तो चावल गलेगा नहीं, कभी गलता नहीं, ठीक है? और हम मीठा हमेशा बनाते हैं ओलपर में। ओलपर में बिल्कुल भाई। ये हमारे पास 1.5 लीटर वाला दूध है ओलपर का, ये पूरा डाल देंगे। सही है? यस। अच्छी सी खीर भी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह, और कोफ्ते भी तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब उबाल आएगा फिर चीनी डालेंगे ना। ये हो गया। और अभी हम दोपहर के लिए शरबत बना रहे हैं। शरबत कौन सा बना रहे हैं? फालसे का। आजकल फालसे बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। ये देखिए कितना मोटा मोटा फालसा है, ये हमने फ्रीजर में रखा हुआ था, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा गीला था। ये देखिए कितना अच्छा फालसा आया हुआ, ठीक है? सिस्टर ने धो के इन्हें फ्रीज किया हुआ। बिल्कुल देखिए कितना मोटा मोटा फालसा है। सारे बना।
सामान मोटा मोटा फालसा है, और फालसा भी कौन सा सस्ता है, ये 400 रुपए किलो मिले। बिल्कुल। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से इसको छानना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। यस। इस तरह से देखिए हम छानते जा रहे हैं। दिखाओ शरबत। अब ये जो नेक्स्ट बैच है ना, इसे भी हम ग्राइंड डाल देते हैं। देखो जब सीजन में फालसा आता है ना, तो हम खूब इसका शरबत पीते हैं, फ्रीज करके भी रख लेते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, और पीते रहते हैं ना। जी भाई। फालसे ठंडे थे ना, तो शरबत भी ठंडा ठंडा हो जाए इंशाल्लाह। ये इसमें हमेशा रूह अफजा जाती है, ठीक है। ये चलेगी। Yes। बस अब इसको हम छानेंगे, ठीक है। दिखाओ नीचे। Yes। और सिस्टर ग्लास भी लेंगे जूस वाले। Yes, जी। ये बन रहा है हमारे घर में फालसे का शरबत, खीर और कोफ्ते। आज का मेन्यू ये है। चलो मैं इसे छान लूं अच्छे से। मिलेगा।
जितना जूस होना वो ले लेना है हमने, ठीक है? ठीक है, इसको एक दफा फिर कर लेना। ताकि सारा जूस जो है हमें पल चाहिए, ठीक है? ठीक है, इस तरह से। और एक दफा फिर से इसे हम घुमा लेंगे। ये कहती है वो डड्डी इधर कर दी है, ठीक है? ठीक है, बस ये इसकी लास्ट बताऊंगी, जाया नहीं ना करें, ठीक है? ठीक है भाई, तकरीबन रेडी है जी। ये वेस्टेज है, ठीक है? ये सिस्टर ने भी मेरी हेल्प कराई है। तीसरी चौथी दफा हमने इसे इस तरह से अच्छे से इसका एक्सट्रैक्ट पल निकाल लीजिए। या वेस्टेज है, जितना था हमने ले लिया, या हम वेस्ट कर देंगे डस्टबिन में। सिस्टर कह रही है कि थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा हो जाएगी। यस, रेडी। ये देखें रूह अफ़ज़ा और डाल दी हमने इसमें। yes. अब इसमें जाएंगे खूब सारी टिकिया, आइस क्यूब, जितनी भी आइस क्यूब हो ना शरबत में। जूस जो है हमेशा ठंडे ही अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो जूस में खूब सारी आइस क्यूब्स डालें। ये खूब सारे आइस क्यूब, ये बस हमारा शरबत जो है रेडी हो गया। ये बने ना बिल्कुल बाजार बिल्कुल जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें कोफ्ते भी हमारे बुनाई पे आके देखे, कोई कोफ्ता टूटा नहीं है। यस, और इसको हमने ये देखें चम्मच भी चला लेते हैं। कितने प्यारे कोफ्ते बने हैं ना। यस, आप इनमें वैसे तो इस टाइम ना गर्म पानी डालना चाहिए, और हमारे पास ठंडा पानी नहीं है तो ठंडा पानी डाल देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें करी नहीं रखेंगे, पर करी होगी तो कोफ्ता खाने का मजा आएगा, ठीक है? और ये मोटे गोश्त के कोफ्ते हैं, बीफ के कोफ्ते हैं, तो इनको प्रेशर कुक करेंगे, ठीक है? अगर ये वैसे ही खा लेना कच्चे से तो ये पेट में दर्द डालेंगे, ठीक है? इतनी करी होनी चाहिए, है ना? यस, बिल्कुल भाई। अब हम पानी डाल के प्रेशर कुकर कर लेंगे। शोरबे वाले कोफ्ते हमारे घर में बनेंगे, माशाल्लाह। यहाँ पे चीज भी बन रही है, खुशबू है तो माशाल्लाह बहुत आ रही है। चला के पानी और इसको लगा देंगे, प्रेशर को हीट लगाएंगे और इसको विसल आने के बाद 10 से 15 मिनट बस कुक करेंगे, ठीक है? ठीक है, अच्छी खूब ना कि मैं अच्छा गला हुआ हो, कोफ्ते अच्छे गला हुआ होना चाहिए। कोफ्ता कच्चा होगा ना तो पेट में दर्द नहीं करेगा, और ना फ्रेंड्स ये ना समझे कि मैं तो गल गया नहीं, गला नहीं। गलाएं बड़े गोश्त का हो छोटे गोश्त का हो अच्छे से गलेंगे तो पेट में दर्द नहीं पैदा होगा, ठीक है? और वेसन शेसन ना डालें बीच में, नहीं हमने इसमें कोई सनी का पाउडर वगैरह वेसन नहीं डाला, बिल्कुल ऐसे ओरिजिनल बनाए, चर्बी दिलवा के लाएं। बिल्कुल भाई सही कह रहे हो ना, चर्बी दिलवाएं ताकि सख्त ना वो ढीले ना रहे, और वेसन शेसन डालने की जरूरत नहीं, अंडा भी नहीं डालने की जरूरत। और ये सब्ज इलायचियाँ खीर में डाल देते हैं इसके, बस खीर भी हमारी डाल दी है। चार चार पांच डाल दिए, ये गई खीर में। ये क्या कहते हैं सेमिया, इलायची, इलायची।
जैसे बकरे वाले दूध की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है भाई। बहुत अच्छी खीर बन रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी खीर तैयार हो रही है। और yes. इसमें खीर में आप चीनी भी डाल दें? चीनी बस मुनासिब डालना भाई, बस खीर अभी डालना होगी है। चीनी अभी हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि वाली साहब जो है ना थोड़ा कम मीठा था, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, किसी को तेज चाहिए। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा भर हमारी तैयार होती है, चीनी पकेगी तो खीर रेडी। आज है हमारे दस्तरखान में कोफ्ते और खीर, और इसके अलावा फालसे का शरबत अभी पियेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तीनों चीजें हमारी रेडी होती है, फालसे का शरबत भी, कोफ्ते भी और खीर भी। ये बिल्कुल बाजार से भी बिल्कुल अच्छा बना, गाढ़ा बना। इसमें हमने तकरीबन पूरे एक किलो जो है वो फालसे डाला, और ये किलो 400 रुपए में है, अच्छा मोटा मोटा फालसा था। अभी ये सीजन में बिल्कुल न्यू है। हम एंजॉय करेंगे फालसे का शरबत, फिर हम खीर खाएंगे या फिर खीर डिनर के बाद खाएंगे, है ना? खीर शाम को खाएंगे, पहले डिनर खाएंगे, लंच करेंगे। ठीक है, चलो 20 मिनट ये कोफ्ते जाएंगे, यूं ही प्रेशर कुक होंगे, खीर बस बन के रेडी है और जूस सिस्टर सर्व करती है। तो देखिए फ्रेंड, शाम का टाइम है, सिस्टर ने सबको खीर जो है सर्व कर दी है, सबको अपनी अपनी खीर सर्व कर दी है। ये मेरा और सिस्टर की खीर है। yes. और कोफ्ते भी बन के रेडी है, देखो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे कोफ्ते बने, और देखिए कोई भी टूटा नहीं है। yes. मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। yes. ये देखिए, चाहे इन्हें नान के साथ खाएं, चाहे इसे रोटी के साथ खाएं तवे वाली, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। ठीक है भाई, फ्रेंड्स कोफ्ते भी बन गए और खीर भी बन गई।